रही हूँ दो कटोरी सूजी एक, और ये दो कटोरी, इसमें मुझे डालना है एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी। यहाँ दही डालकर मैंने हैंड मिक्सर से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें एक कटोरी पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिलाकर आधे घंटे के लिए फिक्स होने के लिए रख देना है। अप्पे बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट फूड है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें फैट भी बहुत कम होता है। इसे हम सुबह शाम नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और यात्रा करते समय पैकिंग के रूप में भी रख सकते हैं। मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इधर मैंने कुछ सब्जियां काट कर रखी हैं जिसे हमें अप्पे में डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कट करके रखा है। गाजर, हरा लहसुन, गोभी, हरी मटर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब चाहे तो शिमला मिर्च और बीन्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इतना ही डाला है जितना मेरे पास उपलब्ध था। सब्जियों को वॉशिंग पैन में लेकर हम अच्छी तरह से धुल देंगे और इसे रख देंगे ताकि ठीक तरह से इसका पानी निकल जाए। और इसके बाद चलते हैं पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट में हमें थोड़ा नमक डालना होगा, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अप्पे में ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता इसलिए हल्का ही डालें, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे। और सब्जियों को डालकर इस तरह से हैंड मिक्सर से मिक्स कर देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मिक्सर की मदद से ही मिक्स करें। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको बड़े चम्मच से मिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से किनारे किनारे से उठाकर बीच में लाएंगे और इस तरह से फेंट देंगे। मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। इसी तरह आपको भी अपने अंदाज से पानी को मिलाकर हल्का सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, थिकनेस इतनी रहनी चाहिए जितनी आपको मेरे इस पेस्ट में दिखाई दे रही होगी। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा मिलाऊंगी। अगर आप बेकिंग पाउडर किसी भी कारण से नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप रात में दही मिलाकर पेस्ट को तैयार करके रख दें और सुबह उठकर बना लें। लेकिन यदि आप इंस्टेंट बना रहे हैं, तुरंत बना रहे हैं, तो आपको बेकिंग सोडा मिलाना होगा, वरना अप्पे फूलेंगे नहीं और कड़े कड़े हो जाएंगे। यहाँ मैंने पैन में हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि अप्पे नीचे चिपक नहीं जाए। और ध्यान रहे, मेरा पैन अभी ठंडा है तो मैंने हाथ से लगा दिया, लेकिन गर्म पैन में आप हाथ से ना लगा दीजिएगा। आपको इसके लिए ब्रश या किसी और चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, वरना हाथ जल जाएगा। अप्पे को इस तरह से हम हर एक ब्लॉक में बॉल्स की तरह डाल देंगे। ध्यान रहे कि हर खाने में आप उतना ही पेस्ट डालें जितना जगह है, और ढक कर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद खोल कर देख रही हूँ मैं, मेरा अप्पे अभी कुछ कम पका है। एक बार फिर से ढक देती हूँ। 2 मिनट बाद फिर से खोल के देखती हूँ, अप्पे पक गए हैं पीछे की ओर। अब हम इन्हें पलट देंगे। अप्पे बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही टेस्टी अप्पे बन रहे हैं। इन्हें पलट लेने के बाद एक बार फिर से हम इनमें किनारे किनारे से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ढककर 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इन्हें हल्का हल्का हिला देंगे ताकि अप्पे में चारों ओर ऑयल लग जाए। फिर इसे 2 मिनट और पका लेंगे। देखती हूँ अप्पे पका है कि नहीं। अभी हल्का से पकाने की और जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे अप्पे को ज्यादा नहीं पकाना है। इसे ब्राउन या गुलाबी होने तक ही पकाएं, वरना ये कड़े हो जाएंगे। और अप्पे की तो विशेषता ही है सॉफ्ट और स्पंजी होना। मेरे अप्पे तैयार हैं, मैंने निकाल चुकी हूँ और मैं तोड़कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और स्पंजी अप्पे तैयार हुए हैं। देखिए, इसे चटनी के संग गर्मा गर्म परोसें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।